हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। जिनका हम लोग साधारण वनवासी प्रवासी समझ के तुच्छ मानत रहली, उस सृष्टि के सबसे असंभव काम कर दिले। समुद्र के बांधे के का केहू कबू कल्पना भी कैले रहे। पिताजी, एको वानर के द्वारा चढ़ के खंडहर बनल लंका के फिर से निर्माण तो आप कर दिले। बाकी हमार पति के शरीर में नया प्राण भी डाल सकब का आप। बोली पिताजी, बोली। शांत शांत बेटे, शांत। तुहार उम्रत उद्गार हमारे हृदय के अशांत कर देलस। बेटी, हम प्रयत्न करब कि तुहार पति के सही रास्ता पर ला सकी, ओकर हट के मिटा सकी। अब युद्ध अनिवार्य बा। लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी नायक गण, युवराज इंद्रजीत, सेना अध्यक्ष गृहस्थ, आप सबके मालूम ही बा कि आर्यावर्त से आयल एगो दुराग्रही दुस्साहसी मानव कुछ भालू वानर के संगे लेके लंका पर चढ़ाई करके सपना देख रहल बा। अब युद्ध अनिवार्य हो गइल बा। लंकेश, युद्ध के हमार लंका के द्वार तक लावे के जिम्मेदारी का खाली ओह मानव पर ही है? का हम एह बात पर विचार ना कर सकी कि यदि सीता के लौटावे से युद्ध रुक सकेला त काहे न ओकरा लौटा दिहल जाए? जे युद्ध के असली कारण है, हम लोगन के ओह कारण पर भी विचार करे के चाहिए महाराज। कारण पर ना, खाली निवारण पर ही विचार कैल जाए। कौना तरह अपन धरती पर आए दुस्साहसी तुच्छ नर वानर के संगठित शक्ति के हम लोग के सीमा के लांघे के दंड दे के फिर सागर के पार खदेड़ दिहल जाए। खाली ओकरे योजना बनावे के होई बस। लंकेश के आलोचना अपराध मानल जाए। मुख्य विषय से हटके और कौनो बात ना कल जाए। हम बेकार के तर्क कुतर्क में समय गवावत रही और मच्छर सागर पर से उड़ के हमार माथा पर आ बैठे। हम लोग के ऐसा नीति अपनावे के चाही जैसे के उ रेंगत सपोला के फन इहें कुचल दिहल जाए। तू सेनाध्यक्ष के पद के अनुकूल ही बात कहल। हम के सावधान रहे के हो, बाकी पहला वार भी ना करे के हो। क्षमा महाराज, यही नीति के हम हमेशा विरोध करत आयल है। यही नीति के नतीजा बा कि आज चींटी के भी पंख निकल आयल बा। पंख निकलल ही चींटी के प्राण निकले के संकेत है। महाराज, चींटियन के मसले के आज्ञा प्रदान करी। ओकर समय भी आ रहल बा, बाकी अभी हम लोग के अपन व्यूह रचना के अनुसार परकोटा के अंदर ही रहे के चाही। जिस तरह अभिमंत्रित कवच के अंदर शरीर सुरक्षित रहेला, कौनो अस्त्र शस्त्र के प्रभाव ओकरा पर ना होखेला, हम लोगन भी अपन विराट विशाल अभेद्य दुर्ग के अंदर सुरक्षित बाकी सावधानी के संगे सैन्य संचालन करत सतर्कता से उनकर गतिविधि के गिद्ध दृष्टि से बरखत रहब। बाकी उ चुप त ना बैठल रही है। वो आक्रमण करके लंका के द्वार तोड़ के अंदर आवे के प्रयत्न करी है। प्रयत्न करी है, बाकी सफल ना होखी है। कहे कि लंका के परकोटा पार करके देवता भी कबो अंदर प्रवेश ना कर सकले। हाँ, हमार मजबूत परकोटा से माथा पटक पटक के धीरे धीरे थक जरूर जाई है। उहे समय होई एगो थकल शत्रु पर टूट पड़ेगे, तब उनका मिटा दिहल हमरा खातिर सरल हो जाए। महाराज, हमार दूत के समाचार बा कि वो लोग अद्भुत गरुड़ व्यूह के रचना के लिए बाड़न, जे अभेद है। शुभ, तू उनका से प्रभावित होके आयल बाड़। अरे भेदन करे के प्रश्न ही कहवा बा। गरुड़ व्यूह रचे या शकट या चक्र व्यूह के साथे मोर्चाबंदी करे,
हमार ध्येय त उनका उनकर बनावल व्यूह में ही नष्ट कर देवे के बा। व्यूह बना के भी जौना बिकट व्यूह में वो फंस गए बाड़न होकर अनुमान काहे नहीं खलगावत। पीछे अथाह समुद्र, सामने लंका के दुर्ग के अभेद्य दीवार, होकर बीच में सूखल उजड़ल वन प्रदेश, रसद के बिना सेना कब ले टक्कर ले सकी। हाँ, महाराज के सूझ बहुत गहरा बा। शत्रु आपन ही शक्ति नष्ट करके आपन ही व्यूह में तड़फड़ा के दम तोड़ दी। फिर भी शत्रु शत्रु है, हर तरह के स्थिति के सामना करे खातिर सतर्क रहे के चाहिए। ऐसे आपन आंतरिक सुरक्षा और युद्ध क्षेत्र में जाए के स्थिति आवे पर ओकरा से निपटे के पूरा योजना हम लोग के अभय से बना लेने के चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मधुर सरस अरु अति मन भा